हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आर्किटेक्ट रविंदर सैनी आज आपके लिए 37x44 में घर का नक्शा लेकर आया हूं। इसमें 37 फ्रंट है, 44 इस घर की डीप है। इस घर में हमने दो बेडरूम, लिविंग कम डाइनिंग एरिया, ड्राइंग रूम, किचन, पार्किंग एरिया, ये सब इसमें डिजाइन कर रखा है, लोन छोड़ रखा है। तो चलिए हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप हमारे पास ये घर कुछ इस प्रकार से डिजाइन हो रखा है, जिसमें मेन गेट यहाँ लगाएंगे। आप इस मेन गेट को स्लाइडर टाइप का बनाना ताकि गाड़ी अंदर ले आओ और गाड़ी अंदर आने के बाद स्लाइडर गेट होने के कारण आसानी से बंद हो जाए। तो यहाँ पर आप स्लाइडर मेन गेट देना और पार्किंग एरिया बनाना 14 फिट 7.5 इंच बाई 24 फिट 1.5 इंच का। तो ये हमारा पार्किंग एरिया यहाँ बनेगा। तो ये हुआ घर के लिए एक पार्किंग एरिया। आगे 9 फिट 3 इंच बाई 11 फिट 4.5 इंच की जगह हम खाली छोड़ देंगे। तो ये जगह हमको खाली छोड़नी है, तो इतनी जगह हम खाली छोड़ देंगे आगे से। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आप यहाँ हम बनाएंगे ड्राइंग रूम 14 फिट बाई 11 फिट का। आपको इसमें सोफे मिलेंगे, टीवी का पॉइंट मिलेगा, और यहाँ आप इस साइड में एक दरवाज़ा लगा देना ताकि बाहर से इसमें एंट्री हो जाए, और विंडो आप लगा देना, यानी कि लॉन की तरफ आप विंडो लगा देना तो इसका वेंटिलेशन भी हो जाएगा। तो 14 फिट बाई 11 फिट का ड्राइंग रूम आप यहाँ बनाना इस वाले घर में। तो ये हुआ घर के लिए ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम हम यहाँ बनाएंगे इस वाले घर में। हमारे घर के अंदर आने के लिए यहाँ मेन दरवाज़ा है। हम इस वाले दरवाजे से एंट्री करेंगे तो हम पहुँचेंगे हमारे लिविंग कम डाइनिंग एरिया में, जिसमें 27 फिट 4 इंच बाई 13 फिट का लिविंग कम डाइनिंग एरिया रहेगा, जिसमें आपको बैठने के लिए सोफे, डाइनिंग टेबल और इसी लिविंग कम डाइनिंग एरिया में आप स्टेयरकेस एरिया बना सकते हो। स्टेयरकेस यूज करने के लिए ये जो अप लिखा है, यहाँ से आपको स्टेयर के चढ़ना है और ऐसे राउंड होते हुए आप अपनी छत पर पहुँच जाओगे, यानी फर्स्ट फ्लोर पर पहुँचोगे। और फर्स्ट फ्लोर पर आने के बाद ये वाला घर आप ऊपर डिजाइन कर सकते हो, चेंज करना चाहो तो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ आप स्टेयर के एरिया बनाना 27 फिट 4 इंच बाई 13 फिट का। ये लिविंग कम डाइनिंग एरिया यहाँ बनेगा। इसके बाद यहाँ बनेगा 12 फिट बाई 10 फिट 9 इंच का एक किचन, जिसमें आपको गैस चूल्हा सिंक मिलेगा। इसके लिए विंडो पार्किंग एरिया की तरफ लगेगी। तो ये हमारे घर के लिए किचन यहाँ बनेगा। तो ये हुआ घर में किचन। किचन आप यहाँ बनाना इस वाले घर में 12 फिट बाई 10 फिट 9 इंच का। यहाँ बनाना बेडरूम 15 फिट बाई 10 फिट 9 इंच का। ये बेडरूम रहेगा, इसमें आप बेड, टीवी, अलमीरा लगा देना। विंडो आप पीछे लगाना तो इसका वेंटिलेशन पीछे होगा। तो घर में एक बेडरूम आप यहाँ बनाना। मान ये हमारा जो घर है ये 2 BHK है, तो एक बेडरूम आप यहाँ बना सकते हो। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। यहाँ बनाएंगे टॉयलेट 5 फिट बाई 11 फिट का, वॉश बेसिन, शीट, शावर के साथ ये टॉयलेट यहाँ बनेगा। इसका वेंटिलेशन बाहर हो जाएगा, तो बाहर की तरफ हम इसके लिए वेंटिलेटर लगा देंगे तो इसका वेंटिलेशन बाहर हो जाएगा। तो घर में यहाँ एक टॉयलेट यहाँ बनाएंगे, तो ये टॉयलेट यहाँ बनेगा। उसके बाद हम यहाँ बनाएंगे घर में दूसरा बेडरूम 13 फिट बाई 11 फिट का। इसमें बेड, टीवी, अलमीरा रहेगी, विंडो बाहर लगेगी, इसका वेंटिलेशन बाहर की तरफ होगा। घर 37x44 के एरिया में डिजाइन हो रखा है, जिसमें आपको यहाँ पर स्टेयरकेस एरिया मिलेगा, जिसमें फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए ये जो अप लिखा है इस साइड से आपको स्टेयरकेस चढ़ना है। तो ये थोड़ा डुप्लेक्स टाइप का आप बना सकते हो इसमें। ये हमारा 37x44 का घर का नक्शा है।
ईस्ट फेसिंग है, यानी पूर्व मुखी घर का नक्शा है। आपको ये घर का नक्शा कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर देना, और इस वाली वीडियो को एक लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।